कहते हैं अतिथि देवो भव। एक ऐसे ही अतिथि ने शिरकत की आईएमसी के मेगा इवेंट लक्ष्य 2022 में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेवा भाव से समर्पित भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने वाले उत्तराखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की, जिन्होंने लक्ष्य 2022 इवेंट के दूसरे दिन अपने पदार्पण से पूरे आईएमसी परिवार में आयुर्वेद के साथ साथ देशभक्ति की भी लहर चला दी। भारत माता की, भारत माता की। इस दौरान कंपनी के फाउंडर एंड चेयरमैन डॉक्टर अशोक भाटिया जी, मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सत्यन भाटिया जी ने बहुत ही गर्मजोशी और उत्साह के साथ मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे दरमियान एक कर्मठ, एक कर्मवीर, देश प्रेमी, धर्मपरायण माननीय पुष्कर सिंह धामी हमारे बीच हैं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। माननीय धामी जी ने उत्तराखंड की बागडोर संभाली है। धामी जी, आप अपने नाम स्वरूप एक निर्मल सरोवर की भांति हैं। मैं आपका मैनेजमेंट की तरफ से, कंपनी की तरफ से, समस्त भारतवर्ष में हमारे जितने भी एसोसिएट्स हैं, आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप कृपया यहां आएं। और सत्यन जी से निवेदन है कि वो धामी जी को लेकर स्टेज पर पधारें। पुष्कर जी, मैं कुछ बताना चाहूंगा कि पुष्कर जी का मतलब क्या है। पु, श, क और र। पु का मतलब है पुनीत हिंदुस्तान का, श का मतलब है श्रृंगार हिंदुस्तान का, क का मतलब है कर्मवीर हिंदुस्तान का, कर्म योद्धा हिंदुस्तान का, और र का मतलब है राम भक्त हिंदुस्तान का। प्रत्येक शब्द पुष्कर का हिंदुस्तान में समाया है। आपके हर लफ्ज में हिंदुस्तान समाया है। पिथौरागढ़ के निर्मल सरोवर में एक कमल मुस्कुराया है। और धन्य है मोदी जी, धन्य है मोदी जी, जिन्होंने उत्तराखंड का प्रशासन आपको थमाया है, आपको थमाया है। धन्यवाद सर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आईएमसी के इस वार्षिक सम्मेलन में अभी इसके फाउंडर, संस्थापक और जिनके माध्यम से हजारों लाखों लोगों को एक दूसरे से जुड़ने का, एक दूसरे से किसी न किसी रूप में मिलने का अवसर प्राप्त होता है, साथ में संपूर्ण भारत में आयुर्वेद का परचम लहराने वाली कंपनी को जिन्होंने चलाने का काम किया है, आदरणीय अशोक जी, भाई सत्यम जी हमारे, जिनके आज विशेष स्नेह के कारण से ही मैं आप सबके बीच में आने के लिए मजबूर हुआ, आदरणीय राजीव जी, मेरे साथ आए हुए उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे आदरणीय स्वामी यतीश्वरानंद जी, आदरणीय विश्वास टावर जी एवं सभी अतिथिगण,
और भारतवर्ष के कोने कोने से आए हुए सभी हमारे प्रतिनिधिगण, मैं सबसे पहले तो आप सबका माँ गंगा के पावन तट पर, माँ गंगा की नगरी देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर आप सभी का अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूँ। IMC कंपनी का हमारे राज्य उत्तराखंड में आज ये बहुत ही शानदार समारोह हो रहा है, ये समूचे उत्तराखंड के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि IMC की उत्पादन इकाई देवभूमि हरिद्वार में भी स्थापित है। मात्र 15 वर्षों में IMC ने भारत के प्रति सराहनीय योगदान दिया है। प्राचीनतम भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद पर आधारित IMC उत्पाद गुणवत्ता से परिपूर्ण होने के साथ साथ भारतीय संस्कृति का संदेश भी पूरे देश के कोने कोने में फैलाने का काम कर रही है। श्री तुलसी, श्री हल्दी, गौमूत्र, हिमालयन बेरी जूस, एलोवेरा जूस इत्यादि लगभग 350 उत्पाद स्वास्थ्य भारत के नवनिर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। केवल स्वास्थ्य संबंधी नहीं बल्कि पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर, होम केयर, IMC राष्ट्र उत्पाद राष्ट्र की जीवन शैली के भी अभिन्न अंग बन चुके हैं। मैं IMC के संस्थापक डॉक्टर अशोक भाटिया जी और श्री सत्यम भाटिया जी को बधाई देता हूं और उनकी सराहना करता हूं कि आप सबके द्वारा जो आज आत्मनिर्भर भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आगे बढ़ रहा है और हर क्षेत्र में आज भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, चाहे वो आयुर्वेद का क्षेत्र हो, चाहे आज वो हमारा सेना का क्षेत्र हो या सेना के अस्त्र शस्त्रों का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किसी के नेतृत्व में हो रहा है तो भारत माँ के लाल नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। भाइयों बहनों, चूंकि मैं उत्तराखंड के अंदर नौजवानों और युवाओं के बीच में लंबे समय से काम करता रहा हूँ और आज आप सबके बीच में आया हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मुझे बताया गया है कि 5,000 से भी ज़्यादा लोग आज इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। क्यों सत्यम जी, कितने 5,000 लोग जी। मैं चाहूँगा कि हरिद्वार के अंदर जो हमारी कंपनी स्थापित है, वैसे तो आप लोग रोजगार के क्षेत्र में काम कर ही रहे हैं, क्योंकि मैंने लंबे समय तक यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के छात्रों के लिए लगातार काम किया है, उनकी मांगों को बढ़ाया है, उनकी समस्याओं को लगातार मैं उठाने का काम करता रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि हरिद्वार के अंदर और पूरे उत्तराखंड के अंदर जितने भी उद्योग स्थापित हैं, मैं चाहता हूँ कि सारे उद्योगों का संवर्धन हो, सारे उद्योगों का विकास हो। और हमने जितने भी उद्योग लगे हैं, जब से मैं मुख्य सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ, तो मैंने सारे उद्योग के लोगों को, उद्योग समूह के लोगों को आमंत्रित किया, और आमंत्रित ही नहीं किया, उनसे उनकी जो भी समस्याएं थी, जो उनकी ज़रूरतें थी, जो उनके उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए हम कर सकते हैं, सरकार कर सकती है, हमने उसके लिए प्रयास किया और जितने भी उन्होंने हमें ज्ञापन दिए थे उन सभी बिंदुओं पर एक एक करके लगभग हमने सब पर काम शुरू कर दिया और बहुत सारे बिंदुओं पर उनका समाधान भी निकाल दिया। क्योंकि मैंने ये कहा कि उत्तराखंड के अंदर आइए, अपना उद्योग लगाइए, सरकार जो भी सहयोग आपका कर सकती है, जो भी सुविधाएं आपको दे सकती है, हर संभव उसको देंगे। और जो उद्योग यहाँ पर स्थापित हैं वो सारे के सारे उद्योग ठीक प्रकार से चलें और ठीक प्रकार से उन उद्योगों में काम करने वालों का वेलफेयर भी हो, उद्योग भी चूँकि यहाँ के लोगों को भी उसमें कहीं ना कहीं सहभागिता दे, उद्योग अच्छा चले, नए उद्योग आए उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन जो पुराने उद्योग चल रहे हैं वो सारे के सारे, चाहे आपके दवाइयों के क्षेत्र में हो, कारखानों के क्षेत्र में हो, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, उन सबको हमने कहा है कि आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं,
मैं पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड का मुख्य सेवक कह रहा हूँ कि उत्तराखंड के अंदर जितने भी उद्योग धंधे चल रहे हैं वो सारे के सारे हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। उनको किसी भी प्रकार की अगर यहाँ पर सुविधा चाहिए वो सुविधा हम देने के लिए तैयार हैं। और हमने अपनी सरकार में तीन प्रकार के मंत्रों को लेकर मोदी जी की प्रेरणा से, जो मोदी जी ने आज पूरे देश के अंदर एक कार्य व्यवहार, जिसको आप लोगों की भाषा में बोलते हैं वर्क कल्चर, जो वर्क कल्चर वो लेकर आए हैं कि आप किसी भी क्षेत्र में हैं तो आपको अब काम करना पड़ेगा, काम आधे मन से बेमन से नहीं, काम पूरे मन से करना पड़ेगा। और हमने भी अपने पूरी ब्यूरोक्रेसी है, हमारा शासन है, हमारा प्रशासन है, सबको कहा है कि हम तीन मंत्रों के आधार पर यहाँ सरकार चला रहे हैं। पहला मंत्र है हमारा सरलीकरण का मंत्र। अशोक जी, आप तो इतने विद्वान हैं, इतनी बड़ी कंपनी का आपने स्थापना करी है, उस कंपनी को चला रहे हैं, तो हमने कहा है कि पहला मंत्र है सरलीकरण का मंत्र। यानी कि कोई भी चीज आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई समस्या आए, कोई जरूरत आए, तो उसमें सबसे पहले उसका सरलीकरण होना चाहिए, यानी कि सरल होना चाहिए। कठिन चाहे जितना हो, उसको सरल कैसे बनाया जा सकता है, उसका रास्ता कैसे निकाला जा सकता है, पहले हमारे मन में अगर ये रहेगा तो हम रास्ता निकालेंगे। दूसरा मंत्र है हमारा समाधान का मंत्र। यानी कि जो समस्या आई है, जो जरूरत आई है, जो आवश्यकता है, जो नीड है, उसका समाधान निकाला जाए। सरलीकरण कर दिया, समाधान कर दिया, तो उसके बाद तीसरा आता है निस्तारीकरण। यानी कि जो भी एप्लीकेशन आई है, जो भी काम आया है, उसको निस्तारित कर दीजिए, नो पेंडेंसी रखिए। और हमारे यहाँ उद्योग लगाइए, उद्योग चलाइए, हमको भी अपना पार्टनर बनाइए। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं ऐसा तो नहीं कहीं पुष्कर सिंह धामी कह रहा है कि मुझे अपना पार्टनर बनाओ। मैं पार्टनर बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, पार्टनर इस रूप में बनाइए कि हमारे यहाँ जो नौजवान घूम रहे हैं, जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनको काम चाहिए, उनको अपने साथ जोड़िए और उनको अपना पार्टनर बनाइए। हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं। जो भी हमसे हो सकता है वो सब करेंगे। मेरी आप सबसे शुभकामना है, ईश्वर से प्रार्थना है कि IMC कंपनी की पताका हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे विश्व में फहरे, ताकि जो हमने विश्व कल्याण का सपना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है वो साकार है। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि बहुत सारे प्रांतों से हमारे देशवासी हजारों की संख्या में इस समारोह में उपस्थित हैं। सब उपस्थित जनों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और IMC की यह विशाल टीम आयुर्वेद के क्षेत्र में पवित्र ज्योति पूरे संसार के अंदर फैलाने का काम करे, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। श्री पुष्कर सिंह धामी जी अपना कीमती समय निकालकर इस इवेंट में आए। उनके आने से IMC का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा तथा प्रेरणा से दीप्तिमान हो उठा। इसके लिए IMC मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का सहृदय आभार प्रकट करते हैं। भारत माता की जय। गुड IMC। कंपनी की जानकारी लेने के लिए हमारी वेबसाइट www.imcbusiness.com पर विजिट करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।